दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पंचायत नगर निकाय के चुनावों में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता भी तय करे सरकार। नवंबर दिसंबर से पहले जरूरी करे संशोधन। अर्की पर थोप दिया राजधानी जैसा ग्रे कर, 10% से ज्यादा टैक्स का सवाल ही नहीं, वापिस लो फैसला। सेब की धमाकेदार एंट्री, करसोग वैली से सोलन पहुंची बड़ी खेप, 800 से 1600 रुपए में बिका अर्ली वैरायटी का बॉक्स। दूध लेने जा रही बुजुर्ग को बचाते स्कूटी कार की टक्कर, दोनों चालक जख्मी। हिमाचल के उद्योगपतियों को दे पंजाब जैसी राहत, किस्तों में ले 30 जुलाई तक के बिजली के बिल। अब समाचार विस्तार से। पंचायत व नगर निकाय के चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। ये मांग प्रदेश पेंशनर्स महासंघ के महामंत्री व अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पूर्व सचिव इंद्रपाल शर्मा ने की है। उन्होंने कहा कि नवंबर व दिसंबर में प्रदेश में पंचायती राज व नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि चुनाव से पूर्व वर्तमान अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रधानों व निकायों के अध्यक्षों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम जमा दो अथवा स्नातक करनी चाहिए और वार्ड मेंबरों की कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। वर्तमान में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण करीब 40% महिला प्रधान के कार्य उनके पति कर रहे हैं और कार्रवाई पत्रों पर ही उनसे हस्ताक्षर या उनका अंगूठा लगवाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने तथा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वर्तमान अधिनियमों में संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। देश के अनेक राज्य इस तरह के संशोधन कर नए नियम बना चुके हैं। सरकार को चुनाव से पहले सभी प्रधानों और वर्तमान अध्यक्षों के 5 वर्षों के कार्यकाल का निष्पक्ष ऑडिट करवाना चाहिए तथा इस अवधि में अर्जित की गई उनकी संपत्ति की जांच करनी चाहिए तथा दोषी पाए जाने वालों को दोबारा चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और निकायों के चुनाव इस वर्ष नवम्बर के आखिर या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने प्रस्तावित है और इसके लिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने विधिवत टेंटेटिव डेट भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से और हिमाचल सरकार से ये मांग करती है कि प्रदेश में इन चुनाव को करवाने से पूर्व जो अभी पंचायती राज अधिनियम है उसमें आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ये प्रावधान किया जाए कि जो पंचायतों के प्रधान और निकायों के जो अध्यक्ष बने या चुने जाएं, उनके लिए कम से कम +2 या अधिकतम स्नातक की शैक्षणिक योग्यता रखी जाए। अर्की के लोगों ने गृह कर बढ़ाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने विकास मंच के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज के साथ नगर पंचायत द्वारा लगाए गए टैक्स के विरोध में SDM विकास शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि अर्की नगर पंचायत ने जो गृह कर लोगों पर थोपा है वह शिमला शहर की तर्ज पर लगाया गया है, जबकि अर्की व शिमला की किसी भी लिहाज से बराबरी नहीं की जा सकती। शिमला प्रदेश की राजधानी के साथ साथ नगर निगम है, जबकि अर्की एक उपमंडल मुख्यालय होने के साथ साथ नगर पंचायत है। लोगों का कहना था कि अर्की की जनता पर 100 से लेकर 800% टैक्स थोपा गया है, जबकि ये 10% से किसी भी प्रकार अधिक नहीं होना चाहिए। लोगों ने मांग की है कि गृह कर निर्धारण के लिए वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हर वार्ड की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और लोकेशन फैक्टर, जोन सिस्टम, स्ट्रक्चरल फैक्टर, भवनों की निर्माण अवधि, ऑक्यूपेंसी फैक्टर तथा यूज फैक्टर को ध्यान में रखकर गृह कर का निर्धारण किया जाए। लोगों ने यह भी मांग की है कि कोरोना काल में जिस तरह सरकार ने आम आदमी को कई जगह छूट दी है, उसी तरह गृह कर में 25 से 50% की छूट दी जाए। विकास मंच की ओर से और अर्की शहर के गणमान्य नागरिकों की ओर से नगर पंचायत अर्की को एक विज्ञापन दिया गया, जिसमें बढ़े हुए जो हाउस टैक्स है उसका विरोध किया गया और SDM साहब को नगर पंचायत को बताया गया कि जो आपने ये किराए 18-19 से पिछली डेट से बढ़ाए हैं ये गलत है। और सेब सीजन की धमाकेदार एंट्री सोलन की सेब मंडी में हो चुकी है। मंडी के करसोग वैली से सेब की पहली बड़ी खेप मंडी पहुंची है। टाइडमैन किस्म की 354 पेटी का ये लॉट से मंडी की 60 नंबर शॉप में पहुंचा है। कमीशन एजेंट राजीव रांटा और सुरेश सौटा ने कहा कि इस सीजन में पहली बार उनकी 60 नंबर शॉप में सेब की एंट्री हुई है। अर्ली वैरायटी का ये सेब 800 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक प्रति बॉक्स के हिसाब से बिका है। अब इस सेब को अहमदाबाद और गुजरात की मंडियों में भेजने की तैयारी की जा रही है।
टाइडमैन किस्म मंडी में एक सप्ताह तक चलेगी और उसके बाद रॉयल किस्म के सेब की भी मंडी में आवक शुरू होगी। बागवानों के लिहाज से अर्ली वैरायटी के इस सेब की अच्छी शुरुआत हुई है। नमस्कार, मैं राजीव शेड नंबर 21 में आज हमारे पास टाइडमैन के दो आज लगभग 454 पेटी बॉक्स जो है धर्मशाला में वार मेमोरियल के पास एक स्कूटी और कार की भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत सड़क पर जा रही बुजुर्ग महिला को बचाते हुए हुई। स्कूटी धर्मशाला की ओर जा रही थी जबकि कार गग्गल की तरफ जा रही थी। इसी बीच एक दूध देने जा रही बुजुर्ग महिला अचानक सड़क पार करने लगी और उसे बचाते हुए कार और स्कूटी के बीच टकराव हो गया। इसमें स्कूटी को काफी नुकसान हुआ और स्कूटी चालक जख्मी हो गया, जिसे कार चालक ही दूसरे वाहन में जोनल अस्पताल ले गया। लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी इंडस्ट्री के बिजली के बिल उद्यमियों के लिए गले की फांस बन गए हैं। उद्यमियों ने सरकार से मांग की है कि उद्योगों के 30 जून तक के बिलों को 4 चरणों में लिया जाए। उद्योगपतियों का कहना है कि जैसे पंजाब सरकार ने 30 जुलाई तक के बिल 4 इंस्टॉलमेंट में देने को कहा है, वैसे ही हिमाचल सरकार भी इसी तर्ज पर उद्योगपतियों को राहत प्रदान करे। हिमाचल की इंडस्ट्री ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड और उसके बाद हिमाचल की इंडस्ट्री चलेगी, उसके कई कारणों से जैसे प्रवासी लेबर चलेगी, बिजली बोर्ड ने इसके लिए पहले तो हमने बिजली बोर्ड से डिमांड की ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जो डिमांड चार्जेज है उसको वेवर किया जाए, क्योंकि जब इंडस्ट्री चली नहीं, हमने पावर कंज्यूम नहीं की तो इन्होंने डेफर किया। तो हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको आप वेवर करो। उसके बाद पंजाब ने 30 जुलाई तक जितने भी कोई बिजली के जो ड्यू बिल थे इंडस्ट्री की उसकी 4 इंस्टॉलमेंटें कर दी। हमारा सरकार से मुख्यमंत्री से बार बार अनुरोध है कि इसको भी पंजाब पेट्रोल पर इंस्टॉलमेंटें दी जाए, क्योंकि इंडस्ट्री अभी चली नहीं, कोई 10% पर चल रही है, कोई 20% चल रही है, कोई 50% चल रही है, किसको ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी उसका मेन बिंदु ये है कि सरकार को हम प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप डिस्कनेक्शन करने की जैसे बिजली बोर्ड के ऑर्डर आ रहे हैं हम डिस्कनेक्शन कर देंगे, अगर आप डिस्कनेक्शन करोगे तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, हजारों लोग सड़कों पर आएंगे, तो इससे ना तो बिजली बोर्ड का कोई भला होगा ना इंडस्ट्री का भला होगा। तो सरकार से ये अनुरोध है कि बिजली बोर्ड को डायरेक्शन दें कि जो बिजली के बिलों की जो 30 जून को ड्यू है उसके 4 इंस्टॉलमेंट में तो वो कर दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकार ये आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो अगला क्या कदम? अगर सरकार हमारी नहीं करती है तो हम इसके लिए जो भी पॉसिबल प्रोटेस्ट होगा हम करेंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपने जो, क्योंकि सरकार इंडस्ट्रीज में बहुत ही स्ट्रगल में है, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, थ्रोट कंट्री नहीं चल पा रही।